हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ आलू 65 की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसको बनाना एकदम से आसान है और ये खाने में बहुत ही चटपटा होता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ कच्चे 6 आलू लिए हैं, जिनको अच्छे से धोकर छील लेंगे और अब इनको हम ग्रेट कर लेंगे। हमने थोड़े मोटे साइज में इनको ग्रेट किया है। हमने सभी आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इनको दोनों हाथों से अच्छे से इनको दबाकर इसका अंदर का स्टार्च निकाल लेंगे और अब इसको हम 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे, जिससे इसके अंदर का स्टार्च जो बचा हुआ है वो भी अच्छे से निकल पाएगा। पर ध्यान रहे, इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमने एक बार पानी से इनको निकाल लिया है, अब हम फिर से इसको पानी चेंज करके इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से इनको धो लेंगे। जब आलू का स्टार्च एकदम से निकल जाएगा तब पानी एकदम से साफ नजर आएगा। देखो, इसका पानी एकदम से साफ है, इसका मतलब इसके अंदर का स्टार्च निकल चुका है। अब हम दोनों हाथों से इसको अच्छे से दबा कर इसके अंदर का जो पानी है वो निकाल देंगे। ध्यान रहे, पानी को पूरी तरह से निकालना है। 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम 4 चम्मच मैदा डालेंगे, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने हरा धनिया पाउडर डाला है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपका ये बैटर गीला हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, मैदा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका साइज रख सकते हैं। हमने इन सभी को बना के तैयार कर लिया है। अब हम तेल को गर्म करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इनके अंदर इसको डाल देंगे और इनको हल्का गोल्डन होने तक और हल्का क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। गैस को लो टू मीडियम रखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक सके। इनको बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो सके और ये अच्छे से पक कर तैयार हो सके। ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी बना के तैयार कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल की और बाकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम 1/2 कप दही लेंगे और इसके अंदर 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एकदम से स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। अब हमने 5 हरी मिर्च डाली है, इसको 2 हिस्सों में कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अब 5 सूखी हरी मिर्च को तोड़ के हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 1/2 चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम दही वाला पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। ये जैसे जैसे पकेगा ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, पर इसको लगातार चलाते रहेंगे तो एकदम से स्मूथ बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके अंदर हम आलू बॉल्स को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, जिससे इसके जो दही है वो एकदम से सूख जाएगा और इसके चारों तरफ अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। देखो, हमारा दही अच्छी तरह से सूख चुका है और ये चारों तरफ से अच्छे से इसकी कोटिंग हो चुकी है। ये अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं, आप इसे सर्व कर सकते हैं। लो जी, हमारे आलू 65 बन के तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।